अब सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी, अब चुनाव घोषणा होने में कुछ एक दिन बचा हुआ है। लेकिन आप सब लोगों से मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि इस बार हमें इस पश्चिम सिंहभूम का जो लोकसभा क्षेत्र है इसको हमें धूमधाम से जीतना है और काफी वोटों के अंतर से हमें इस सीट को जीतना है, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें से आपके सिंहभूम क्षेत्र का भी योगदान हो, यहाँ से भी कमल खिले, इसके हम सब लोगों को मेहनत करना है, सबको प्रयास करना है। तो हम दो तीन बातें मैं आप सबके बीच में रखूंगा। एक तो यहाँ बहुत स्तर से हमारे कार्यकर्ता आप सब यहाँ उपस्थित है, आप यहाँ से जाएंगे वापस लौटेंगे तो एक काम आप जरूर करें, आप सबको एक तो लाभार्थियों से संपर्क करने के भी आपको बता रहे थे, मैं उसको कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता जो बूथ के अध्यक्ष तो है, लेकिन बूथ के अध्यक्ष के साथ साथ भी आप और जो कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, आप एक एक गांव और एक एक बूथ आप कार्यकर्ताओं को जिम्मा लगा दीजिए, और वो सिर्फ संपर्क एक दो दिन के लिए नहीं, संपर्क आपको अभी तो लोकसभा के चुनाव संपन्न होने तक आप उसको संपर्क करना है, यानी आपके नाम से जो भी गांव आवंटित रहेगी, आपके नाम से जो भी बूथ आवंटित होगा, आप उस गांव और उस बूथ से फुर्सत तभी मिलेगी जब वोट वहां डाल करके आप पूरी ईवीएम को भर देंगे, तभी आपको विश्राम करना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ, तभी हम सब लोग धूमधाम से जीतेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों से, मैं आप सब से यही निवेदन कर रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर के कलम कॉपी ले करके आप बैठ जाइए और एक एक कार्यकर्ताओं की सूची बना करके, कौन कार्यकर्ता को बूथ में अध्यक्ष तो है ही आप सब, उसके अतिरिक्त भी जो अपने कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं को ये काम देना कि एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक गांव आवंटित कर दीजिए, टोला आवंटित कर दीजिए, बूथ आवंटित कर दीजिए, और उस टोला में उस मोहल्लों में जितने भी परिवार होते हैं सबसे उनका सुबह शाम संपर्क होना चाहिए, और तब तक ये संपर्क करना जब तक ये चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है। चुनाव समाप्त होगा तो थोड़े दिन विश्राम लेना होगा और इसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव में भी लड़ना।